के आई एम रियली सॉरी। और अभी दोनों का ही सिचुएशन अलग है। और यहाँ पे देख रहे क्या हुआ, मेरा ना नेक पे दर्द हो रहा है क्योंकि ऐसा इधर पे तो सेटअप है नहीं। वीडियो अभी एक अपलोड हो रहा है। हाँ मैं सच में टायर्ड हो गई, मैं फ्लोर पे सो गई। ओह अच्छा, बात यह है कि मेरा पिक्चर पता नहीं कैसा आ रहा है और मुझे इतना टायर्ड लग रहा है कि मैं फ्लोर पे सो गई। सच में आज टायर्ड लग रहा है क्योंकि आज जो वीडियो, एक तो मैंने नॉर्मल जो वीडियो आज शूट किया उसको भी पोस्ट किया, साथ ही ना पुराना एक वीडियो था जिसमें मैंने बनाया था एग डेविल, तो वो वाला भी आज मुझे मैंने पोस्ट किया क्योंकि लास्ट वीक को मैंने बनाया था एग डेविल। सो आई रिमेम्बर कि मैंने पहले जब बनाया था तो मैंने उसको पोस्ट नहीं किया था, शूट करके रखा था, तो आज उसको भी एडिट करके पोस्ट किया कि कैसे बनाया था। बहुत ईजी है, ट्रस्ट मी। मैंने उस टाइम पहली बार बनाई या सेकेंड टाइम बनाया था, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है ना, यू गोना लाइक यू नो थिंग्स विथ लाइक फ्राइड वाला चीज़, क्योंकि गर्मी में मैं खा ही नहीं पाती और मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगी कि गर्मी में आप ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाओ, बट ड्यूरिंग दिस मानसून यू नो सीजन थोड़ा बहुत खा सकते हैं। मेरा ना नेक पे दर्द हो रहा है क्योंकि ऐसा इधर पे तो सेटअप है नहीं। विकास का काम ऐसा है ना कि ऐसा नहीं है कि उसको एवरी डे उसको घर में आके काम करना पड़ता है। हाँ जब काम का प्रेशर होता है घर में आके करना पड़ता है, प्लस उसको कभी कभी रात में भी जाके करना पड़ता है, पर इट्स नॉट कि 30 days इन अ मंथ ही करना पड़ता है। पर अभी दोनों का ही सिचुएशन अलग है। मुझे ये सब लाइक ये एडिटिंग स्टार्ट किया तो मुझे प्रॉपर सेटअप नहीं है, लाइक चेयर वेयर का टेबल है मेरे पास, सोफा में बैठ के ना आप वैसे नहीं कर सकते, ज़्यादा देर करोगे तो आपका बैक पेन होगा, नेक जैसे मेरा आज पेन हो रहा है, तो अभी ज़्यादा समझ में आ रहा है हम लोगों को। सबसे पहली बात आज के आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ दिनों से बहुत लेट से कॉमेंट्स का रिप्लाई कर रही हूँ, तो आई एम रियली सॉरी बिकॉज अभी क्या होना, लॉकडाउन पहले जैसे है ना, लाइक बहुत सारे चीज़ें अभी खुल गया है, पहले जितना यू नो कंप्लीट लॉकडाउन था, तो अभी ना बाहर का कुछ कुछ काम आ रहा है उसको करना पड़ रहा है, घर में तो ये सब चलता ही रहता है, तो बाहर जाके घर आके शूट करके फिर एडिट करके पोस्ट करते करते कुछ और दूसरा काम करते करते ना वो थोड़ा डिले हो जाए। अभी आम इंसान का वीडियो करते करते लाइफ में क्या होता है मैं दिखाती हूँ। ये लैपटॉप है मेरा काम चल, ये उसका माउस, ये है मेरा टीवी का रिमोट, माउस इधर रखा है, टीवी इधर चल रहा है, टीवी को प्ले करने के लिए मैं रिमोट को ऐसे ऐसे कर रही हूँ। सो मैं लिटरली कंफ्यूज हो गई कि माउस है हाथ में कि टीवी का रिमोट है। आशु 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 मिनी आशु 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 तात्री तात्री। न्यू व्लॉग आफ्टरनून से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, लंच जस्ट मैंने अभी किया, पता है कल रात को जो मैंने व्लॉग पोस्ट किया उसके बाद में बनाने गई खाना, और कल मैंने ना छोटे छोटे फिशेस लिया था, उसको बोलते हैं मोरला और एक भी नाम है, उन्होंने मुझे अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है, तो मछली बहुत अच्छा मिला था, तो अभी तो नीचे आ जाता, दूर जाने का जरूरत नहीं पड़ता, मैं अनलेस इट्स वेरी नेसेसरी तो ही मैं जाती हूँ, अदरवाइज नहीं जाती हूँ, पर मैं दिखाती हूँ। सो ये है वो फिश करी जिसमें है पोटैटो अनियन टमाटो एंड सम ड्राई स्पाइसेस, अभी थोड़ा सा ही एक्चुअली बचा है। फिश जैसे देखा ना, फिश थोड़ा सा ही है बिकॉज कल मैंने डिनर के लिए फिश बनाया था और एक्चुअली प्लान नहीं था ग्रेवी बनाने का,
मैंने सिर्फ उसको फ्राई किया था, साथ में राइस था, चावल था, मैं मतलब राइस था, दाल था, और कुछ नहीं बनाया था क्योंकि कल बहुत टायर्ड हो गई थी। और मैं लाइक पोस्ट करके फिर कुछ और भी चीज़ें यू नो कर करके एंड में टायर्ड हो गई थी। मैंने सोचा यही डिनर कर लूँगी, पर लास्ट में चेंज माई माइंड, फ्राई तो कर लिया था पर मैंने उसको ग्रेवी भी बनाया, क्योंकि इसमें जैसे मैंने ग्रेवी बनाया इसमें जितना टेस्ट होता है फ्राई में उतना मुझे टेस्टी नहीं लगता है। दिस टेस्ट सो गुड विथ ऑल ऑफ दीज। रात को डिनर बनाते बनाते इतना देर हो गया था और मैंने रेसिपी जो है शेयर नहीं किया, किसी और दिन कर दूंगी, वेरी इजी है। सो मछली तो आता ही रहता है, दूसरे किसी ब्लॉग में मैं ज़रूर शेयर कर दूंगी। और यहाँ पे देख रहे क्या हुआ, पिंपल हो गया मेरा, और इधर पे भी एक छोटा सा था जो सूख गया। एक्चुअली मैंने रात को ना टूथपेस्ट दे के सोया था तो ये थोड़ा सूख गया है, ड्राई हो गया है। एक रात जा रहा है एयरलाइंस, तो कैलकटा आती हूँ ना, तो कैलकटा में ये मेरा होता ही रहता है। कैलकटा में आती हूँ तो ह्यूमिडिटी की वजह से पिंपल ऐसा फेस पे हो जाता है, कभी कभी इधर पे भी हो जाता है, पता है शोल्डर पे। और मेन चीज़ है ना कि दाग रह जाएगा, पर मैं जो यूज़ करती हूँ उसकी वजह से दाग नहीं रहता एक्चुअली, अदरवाइज नहीं तो बहुत खराब लगता दिखने में। मैंने इधर पे लिया है बेसन, मैं लूँगी कोल्ड मिल्क, मुझे थिक पेस्ट बनाना है तो मेक श्योर आप ज्यादा मिल्क पहले ऐड मत करो, जितना चाहिए उतना ही ऐड कीजिए। देन आई एम गोना ऐड हनी और एक छोटा सा पिंच हल्दी का, मिक्स कर लूंगी। जैसे मैंने बोला है मुझे एक यू नो थिक पेस्ट चाहिए, मुझे और मिल्क चाहिए तो उसको भी ऐड कर लूंगी, पर आई थिंक नहीं चाहिए और। सो ये जो मेरा पेस्ट है हो गया, दिस और एक बात यहाँ पे आप देख रहे हो थोड़ा सा बच गया, तो मैं इसको क्या करूंगी, अभी तो मैं थोड़ा काम करूंगी, उसके बाद अपने हाथों में जो एक्स्ट्रा है उसको मैं अच्छे से दोनों पाम में उसको यूज कर लूंगी, तो क्या होगा टैन भी है जो वो भी चला जाएगा और बहुत सॉफ्ट रहेगा। सो इसके साथ थोड़ा और क्वांटिटी लगेगा एक्चुअली, इतना से दोनों हाथों में होगा नहीं, तो थोड़ा सा सेम जो भी मैंने इंग्रेडिएंट ऐड किया सेम मैं उसको यूज करके थोड़ा सा और बना लूंगी। सो थिक लेयर मैंने अप्लाई कर लिया है, थोड़ा सा इसको ना ड्राई होने दूंगी, उसके बाद यू नो हाथ को भिगो के आप थोड़ा हल्के से एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज रब करोगे, देन वॉश इट ऑफ। बट मैं उससे पहले बोलूंगी एटलीस्ट लीव इट फॉर 20 मिनट्स। मैं जस्ट अभी फेस अपना वॉश करके आई हूँ। सो जब भी आप फेस पैक लगाओ, कोई भी लगाओ, चाहे DIY करके हो या जो रेडीमेड अवेलेबल है, मेक श्योर आप हेयर ना अच्छे से उसको टाई कर लो, बर्न कर लो, और फ्रिंजेस है अगर मेरी तरह तो उसको अच्छे से पिनअप कर लो। तो के क्या हुआ ना, मैंने तो इग्नोर माई नेल्स, उसको मुझे ठीक करना है। ओके मैंने अभी फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, जो मैंने पैक लगाया था, पैक लगाने के बाद 20 मिनट्स मैंने रखा, रखने के बाद हाथ को थोड़ा गीला करके, जैसे मैंने पहले ही बताया था एंटी क्लॉक एंड क्लॉक वाइज आपको उसको रोटेट करना अच्छे से पूरे फेस में, सॉफ्टली डेफिनेटली जेंटली, एंड देन वॉश इट ऑफ विथ कोल्ड वाटर। मेक श्योर आप कोल्ड वाटर ही यूज करो, वैसे कोल्ड वाटर इज वेरी गुड फॉर योर स्किन, आपको रिंकल्स नहीं आते हैं। तो आपको मेरा फेस होपफुली अच्छे से ना समझ आ रहा है, क्योंकि मैं नेचुरल लाइट में खड़ी हूँ, कोई भी फोकस्ड लाइट या आर्टिफिशियल लाइट में मैं नहीं हूँ। स्किन टाइप जो है ड्राई है, स्पेशली विंटर में बहुत ड्राई हो जाता है, समर में फिर भी इट्स यू कैन से लाइक अ नॉर्मल स्किन। अच्छा तो मैं इसके बाद अभी यूज करूंगी रोज वाटर। मैंने एक्चुअली 2 बार रोज वाटर यूज किया, क्योंकि पहली बार स्प्रे किया था, वीडियो ऑन नहीं था। सो एनीवे रोज वाटर मैंने यूज किया, रोज वाटर मैं ये वाला यूज करती हूँ, दिस वन आई गॉट दिस फ्रॉम Amazon, आपको शायद ये नायका में भी मिल जाएगा, सॉरी मैंने चेक नहीं किया है, मुझे मिलता है तो मैं इसका लिंक दे दूंगी, पर मैंने इसको Amazon से लिया था, बहुत अच्छा है। बेस्ट पार्ट ऑफ इट इट सेज इट्स 100% प्योर एंड नेचुरल, इट्स द एब्सोल्यूट आयुर्वेदा। मैं रोज वाटर हमेशा ना फ्रिज में रखती हूँ,
थ्रू आउट द ईयर जब भी उसको मुझे लगेगा, मैं और विकास दोनों ही इसको स्प्रे कर लेते हैं। समर में तो बहुत अच्छा है, यू गेट लॉट ऑफ मिस्ट, पर मिस्ट तो है ही, पर रोज वाटर इज माई ऑल टाइम फेवरेट, क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट स्प्रे कर सकती हूँ। मैं पैक में यूज करती हूँ, जितना भी मैं DIY पैक यूज करता है, प्रेफर टू यूज इंस्टेड ऑफ वाटर रोज वाटर आई यूज। एंड इसका प्राइस है 450, और ये है 200 ml का। बहुत दिन आपका चलता है, बिकॉज रोज वाटर आपका बहुत कम यूज होता है, लाइक क्वांटिटी बहुत कम है तो यूज होता है। तो उसको मैंने जो अप्लाई किया, लाइक स्प्रे किया, स्किन अब्सॉर्ब करेगा, कुछ देर बाद मैं अप्लाई करूंगी दिस सिटाफिल मॉइस्चराइजर। सिटाफिल इज वेरी गुड ब्रांड, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ इट। दिस अ डेली हाइड्रेटिंग लोशन फ्रॉम सिटाफिल फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन। आपके स्किन टाइप के हिसाब से मिल जाएगा आपको। मैं इसका फेस वॉश भी यूज करती हूँ। सो ये सिटाफिल का क्लिंजर जो मैं यूज करती हूँ, विच इज अ जनरल स्किन क्लिंजर फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन। दिस इज अ सोफी माइल्ड लैदरिंग फॉर्मूला फॉर एवरीडे क्लिंजिंग एंड इवन द मोस्ट सेंसिटिव स्किन। मैंने बहुत पहले भी इसको वीडियो में शेयर किया था, ये सजेस्टेड बाय माई डर्मेट्स एक्ट एंड इट वर्क्स वंडरफुली। इसका रेपुटेशन इसीलिए मार्केट में बहुत अच्छा है। फाइनली जाके मैं नहा के आई, अभी मुझे ना रिलैक्स लग रहा, फ्रेश लग रहा। जिस दिन मैं एक्सरसाइज मिस कर जाती हूँ, ऑनेस्टली लेट मी टेल यू कि बॉडी ना हेवी लगता है, क्योंकि बहुत रेयर होता है कि मैं मिस कर जाती हूँ, कभी कभी तो होता ही हफ्ते में, बट आज हो गया। नहा के आ गई, सर भी मैंने धोया, सर एक्चुअली धोने के बाद मैंने ब्लो ड्राई कर लिया, नहीं तो हेयर खोल के मैं रख नहीं सकती अभी इतना गर्मी में। सो ब्लो ड्राई करके मैंने उसको टाई कर लिया। सो आई एम फीलिंग रियली फ्रेश एंड लाइट नाउ। मिनी आया है तो पहले मैं मिनी को दवाई दूंगी, उसके बाद उसका खाना दूंगी। सो ये इसका दवाई है, इसको हाफ करके उसको देना पड़ता है, जैसे मैंने बोला था डिफिकल्ट है। सो पहले मैंने इसका हाफ दिया था, अभी हाफ बाकी है, तो इसको ना दिख नहीं रहा है। अच्छा ये हाफ था, ये हाफ बाकी है। सो इसको मुझे यू नो वो करना है, लाइक आई टू मेक अ डस्ट ऑफ इट और उसको खाने में देना है। अभी मैं फिश के साथ उसको दे दूंगी। दाराओ दाराओ, यही मैं उसको खाने के साथ मिक्स कर दूंगी। पहले थोड़ा सा यू नो चिकन पीस या फिश के साथ दे दूंगी, पूरा खा लेगा दवाई, उसके बाद उसको राइस और चिकन या तो राइस और फिश जो उसका है वो मैं दे दूंगी। मिनी ने दवाई खा लिया, थैंक गॉड, तभी मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ कि चलो दवाई खा लिया, क्योंकि लास्ट दो दिन वो खाया नहीं था क्योंकि वो आया ही नहीं। अभी दिखाती हूँ कि क्या कर रहा है। खा लिया, अभी आके सो गया। ये पैर उसका ना वो स्वेलिंग था, स्वेलिंग बहुत हद तक कम हो गया है, पर ये वाला पैर का स्वेलिंग बड़ा है और इसमें ना वो लिम्पिंग अभी कर रहा है। तो मैंने अभी डॉक्टर को कॉल किया था, उनका नंबर बिजी आ रहा था, तो उनको उनसे मुझे बात करना है, पूछना है कि अभी क्या सीन है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने जो कोर्स दिया था वो तो अभी हुआ नहीं है, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा, बीच में से ये दो दिन मेडिसिन खाया भी नहीं था। मिनी ने दवाई खा लिया, अभी ना मुझे शांति मिला कि आज का दिन का जो भी कोर्स है दवाई का पूरा आज खत्म हो गया, नहीं तो क्या होता है वो आता नहीं है तो कोर्स में खत्म नहीं कर पाते, और जितना वो गैप होगा उसका कोई मतलब नहीं है ना, कोर्स आपको कंटिन्यूस करना पड़ता है, तो ये ऐसा ही है। अभी जाके फाइनली मैं फ्री होके बैठी हूँ, नहा के आई, मैं सोचा ठीक है चलो अभी थोड़ा मैं रिलैक्स करूंगी, क्योंकि अभी भी मेरा फेस दिख रहा है ना, अगर मैं धूप में जाती हूँ ऐसा कोई काम का जिससे मुझे एग्जॉस्टेड फील हो रहा है तो मेरा फेस पे दिखेगा ही अंटिल आई गेट यू नो रिलैक्स्ड एंड मैं यू नो कंफर्टेबल हो जाऊँ।
इतना देर तक कुछ काम कर रही थी नहाने के बाद, फिर मिनी आया, उसको भी दवाई खिला के उसको भी पैर चेक किया, प्रेजेंट कंडीशन क्या है, डॉक्टर को अपडेट करना है। फाइनली मैं बैठी हूँ, थोड़ा मैं कॉफ़ी पीऊँगी, मुझे भूख लग रहा है एक्चुअली, तो आई हैव हाइड एंड सीक, क्योंकि कॉफ़ी के साथ मुझे दूसरा कोई भी बिस्किट्स पसंद है नहीं। आई लाइक समथिंग काइंड ऑफ यू नो कुकी काइंड ऑफ अ थिंग, सो आई एम गोना हैव दिस ओनली। आज मुझे डिनर भी बनाना है, मैं सोचे क्या बना, थोड़ा सा फिश है जैसे मैंने दिखाया था, थोड़ा सा कॉफ़ी पीते पीते थोड़ा फ्रेंड से मैं बात करूँगी, फ्रेंड लोग भी बोल रहे कितना दिन से बात नहीं हुआ, तो वो करूँगी।